राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व है। छोटे छोटे संकेतों में अक्सर बड़े राजनीतिक मायने निकाल लिए जाते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ आम जन में जिस तरह की राजनीतिक सजगता है, उसे देखते हुए हर पार्टी बहुत ही सोच समझ कर कोई कदम उठाती है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेजी पर हैं। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी IAS, यूपी विधान परिषद में MLC AK शर्मा के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी CM बनने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक तबका तो ऐसा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की कुर्सी छीनने की बात कह रहा है। तो कुछ खबरची बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और स्वाति सिंह को हटाए जाने की बात कर रहे हैं। कुछ ने केशव प्रसाद मौर्य को यूपी भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बता दिया है, तो कोई राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश में वापसी की बातें कर रहा है। इन सब अटकलबाजियों के बीच खबर अब ये है कि RSS ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर संघ और BJP में मंथन लगातार जारी था। एक धड़ा योगी के पक्ष में खड़ा था, तो कुछ नेता ऐसे भी थे जो योगी को हटाए जाने की बात कह रहे थे। लेकिन RSS ने भाजपा को बीच का रास्ता सुझा दिया है। सूत्रों की माने तो RSS ने योगी आदित्यनाथ को जीवन दान दे दिया है। बंगाल चुनाव में हार के बाद सरकार और संगठन डिफेंसिव मूड में है और कोई ऐसा फैसला लेना नहीं चाहते जिससे उत्तर प्रदेश में भी सत्ता गंवानी पड़े। तमाम विकल्पों पर गहरा चिंतन करने के बाद शीर्ष नेतृत्व ने अपनी मजबूरी स्वीकार कर ली और मजबूरी ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा भाजपा के लिए इकलौता वो नाम बन चुका है जो चुनाव में भाजपा की नैया बचा सकता है। पार्टी का ये चिंतन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में अगर परिणाम पार्टी के विपरीत गया तो 2024 के आम चुनावों पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। CM योगी के पक्ष में जो बात जा रही है वो ये है कि उनकी छवि ईमानदार नेता की है, उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप 4 साल में नहीं लगे हैं और भाजपा उन्हें बेदाग नेता के तौर पर पेश करती रही है। दिल्ली भाजपा के एक बड़े नेता ने मीडिया हलचल को बताया है कि BL संतोष ने जिस तरह से लखनऊ में बैठक ली, उसमें साफ तौर से पार्टी में असंतोष सामने आया है। लेकिन योगी जी का कद इतना बड़ा है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में उनके सामने कोई नेता टिकता नहीं। और महज कुछ महीने पहले भाजपा और RSS योगी का चेहरा बदल कर कोई रिस्क अब नहीं लेना चाहते। CM योगी को भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाया हो, लेकिन वो रबड़ स्टाम्प की तरह काम करने वाले नेता नहीं, और यही बात भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को खटकती रहती है। CM योगी के तमाम समर्थक पिछले लंबे समय से ये प्रचार भी कर रहे हैं कि मोदी के बाद PM के दावेदार अगर भाजपा में कोई है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। BL संतोष से लेकर RSS के तमाम नेताओं ने पिछले दिनों में कोविड नियंत्रण को लेकर CM योगी की तारीफ की है और आज भी दिल्ली में RSS की बैठक में साफ तौर से ये संदेश दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पसंद और नापसंद का ख्याल इसमें भी रखा जाएगा। हालांकि AK शर्मा को लेकर पेच फंसा हुआ है। PM योगी ने उनको सरकार में शामिल होने के लिए ही उत्तर प्रदेश भेजा था। अरविंद शर्मा को सरकार में शामिल न करने पर अड़े हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही सियासत चलती रहेगी।